बकरी चराने गए 15 वर्षीय किशोर की नदी में डूबने से हुई मौत, छानबीन में जुटी एनडीआरएफ। थाना कोतवाली जोगिया क्षेत्र के महुआ ग्राम सभा में बीते शनिवार 12 सितंबर को बकरी चराने गए 15 वर्षीय किशोर बूढ़ी राप्ती नदी ककरही में लगभग 3 बजे डूबने से मौत हो गई। मौत की सूचना पर तहसील प्रशासन ने तत्काल एनडीआरएफ टीम को भेजा, जहां किशोर के शव की तलाश में जुट गई, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया। रविवार 13 सितंबर को उप जिलाधिकारी नोगढ़ उमेश चंद्र निगम ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि निखिल पुत्र महेश की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके खोजबीन के लिए पीएससी एवं एनडीआरएफ लगाई गई है। शव की छानबीन जारी है। वह मृतक परिवार को शासन आदेश के क्रम में जो सुविधाएं होंगी मुहैया कराए जाने की बात कही है। सिद्धार्थनगर से रविंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। सर, नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, क्या नाम है और कहाँ का है? उसके लिए छानबीन के लिए क्या सुविधाएं की गई है? आप पता चला था कल करीब 4:30 बजे कि एक लड़का जो है महुआ गांव का जो है यहाँ डूब के नदी में डूब गया है जी, और शाम को तलाश की गई थी, उसकी बॉडी नहीं मिली। उसका नाम निखिल बताया जा रहा है काटने का जी। बॉडी नहीं मिली, लेकिन आज सुबह से ही जो है एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें जो हैं लगी हुई हैं, और उम्मीद है कि जल्दी उसकी बॉडी मिल जाएगी। सर, डूबने से मौत हुई है तो परिवार वालों के लिए कुछ सहायता? अब वो देखेंगे, तो शासन आदेश होगा। हालांकि नाबालिग लड़का है जी,